Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. अच्छा आप बताएं क्या नजर आता है आपको? बाजी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या मतलब है कुछ नहीं है? कुछ नहीं है बाजी। रश्ना, यू विल नॉट बिलीव इट, मैं कल मखली की तस्वीरें देख रही थी और उसमें एक लड़की की तस्वीर है। आई स्वेयर टू यू, उस लड़की की शक्ल इस मुजस्मे से मिलती है। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। अच्छा, और ढूंढ के क्या करना है? देखूंगी। तो तस्वीर में देख लो। नहीं यार, मुझे अपनी आंखों से देखना है। अपनी आंखों से जाके वो स्कल्पचर देख लो। सो यू एग्री है ना कि वो स्कल्पचर और वो आदमी, इट्स लाइक अ डिटो कॉपी, राइट? I'm so sorry, are you okay? Excuse me. Hi Falak, hi Rashna. Hi. Salman ye Maryam ki best friend, Falak aur Rashna. Hello. Hi. Hi. Aur ye Salman Ansar, mere college ke dost, means bahut hi purane dost. I'm serious Hamza, maine usse zyada attractive mard aaj tak nahi dekha. तुम मिस्ट्री को अट्रैक्शन समझ रही हो? नहीं हमजा, उसमें कुछ है। अच्छा बस, ये सलमान नामा खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। दफा हो जाओ तुम, हमेशा यही करते हो। तुम दफा हो, बाय बाय। सुबह सुबह व्हाट्सअप? नथिंग यार, पूरी रात नहीं सोई हूँ वैसे। क्यों, खैरियत? हाँ हमजा, मैं एक बात सोच रही थी। सलमान का मुझसे इस तरह मिलना, बार बार मिलना, क्या इत्तेफाक है? आई मीन कम ऑन यार, उसके चेहरे की मेरे स्कल्पचर से रिजेम्बलेंस, वो भी इत्तेफाक है? या फिर क्या? किस्मत। तुम्हारा दिमाग ऑफिशियली खराब हो चुका है और उस मुजस्मे को फेंकने का वक्त आ चुका है और ये काम सिर्फ मैं करूंगा। जी नहीं, तुम नहीं करोगे। और क्यों करोगे ये काम? ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? मुझे ये मसला है कि तुम्हें मसला हो रहा है। आई वांट यू टू मीट हिम। मैं क्यों मिलूंगा उससे? मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मैं अपनी राय दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझे? और मुझे कोई शौक नहीं अपना कीमती वक्त इन फालतू चीजों में जाया करने का। That's right, actually. तुम नहीं समझोगे। मैं क्या समझूं? तुम बताओ ना, क्या बात हुई? बड़ी लंबी बात है। मसलन क्या? बहुत सारे टॉपिक्स पर। उफ हमजा, he is very intelligent, बहुत स्मार्ट है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, I don't know यार। Wow, that's so unlike you, Fifi. Why? इसलिए क्योंकि तुम्हारी किसी से पहली दफा बात हो रही, वो भी घंटों, वो भी बंदे से। Come on. Exactly हमजा, उसमें कुछ है यार। उसमें कुछ है। You're a cheap sir. बस उसी में कुछ है भाई। हाँ है। चलो चलो चलो। मेरे स्कल्पचर से वो इतना रिजेम्बल करता है, माय गॉड। नानी, फलक बेटा। हेलो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सलाम ना दुआ। जी दियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आ गई आप आज? तुम्हारी अम्मा लाई है मुझे, मैं कहाँ आने वाली थी। अच्छा,
मम्मी कहे तो फौरन आ जाएंगी और मैं जो आपको कहती है नानी प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम कभी भी नहीं आती। तो मेरे कहने से कौन सी आराम से आ गई है, जबरदस्ती लाई हूँ मैंने। लेकिन मैं आई तेरे लिए, उदास हो गई थी मैं, इतना अरसा हो गया तो शक्ल ही नहीं दिखाई तूने अपनी। I'm sorry नानी, सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है ना इसलिए बिजी हूँ, मगर अब आप आ गई हैं, आप आज यहीं रहेंगी और साथ और दिन। चलो ठीक है, हमेशा छुट्टी भी ले लेती हूँ, हमेशा के लिए यही रह जाती हूँ। ठीक है, आपके पौधे, वो कुत्ता और वो परिंदे जिनको आप खाना देती हैं। अख्तरी देख लेगी बेटा, देख लेगी। ये क्या खा रही हो फलक? बेटा जब इतना खाना बना है घर में तो बाहर से क्यों मंगवाया, और वो भी आधा छोड़ दिया, क्या कर रही हो बेटा? आप उसको छोड़े, माफ ये ले। अरे बहुत ज्यादा दे दी बेटा, मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ। और इतना तकल्लुफ क्यों किया बेटा? अम्मा आपके लिए सिर्फ फिश बनवाई है, ये बाकी चीजें तो बनती रहती हैं रोज। ये सारा खाना रोज बनता है बेटा, कौन खाता है? क्या शेर अफगन ने खाना खाना शुरू कर दिया? वो कहीं खा ही ना ले, वो तो इतने हेल्थ कॉन्शियस है कुछ भी नहीं खाते। तो फिर बेटा ये तो रिस्क का जिया है बेटा, तुमने अपने इर्द गिर्द देखा है कभी? लाखों लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब, तरसते हैं वो खाने को बेटा। मेरी चार डिशेस बनाने से मुल्क में कहत नहीं पड़ जाएगा। मजाक नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, कयामत के दिन एक एक दाने का हिसाब होगा। प्लीज, वैसे अगर अल्लाह मियां को इस घर का हिसाब करना पड़ जाए ना तो एक दो साल तो कहीं नहीं गए। नानी आपने वो जोक सुना अल्लाह मियां के बारे में? बुरी बात बेटा, अल्लाह ताला के बारे में कोई मजाक नहीं करते। It's just a joke, नानी। मैंने कहा ना रब के बारे में कोई मजाक नहीं करते, वो रब्बुल आलमीन है बेटा, उसके बारे में लतीफे नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। कोई भी घड़ी पकड़ की घड़ी होती है बेटा, अस्तग़फ़ार कर बेटा अस्तग़फ़ार। चल खाना शुरू कर, बिस्मिल्लाह कर बेटा, बिस्मिल्लाह। यहाँ नमाज रोजे वाला कोई हिसाब नहीं जी, हर कोई अपने कामों में मसरूफ रहता है, साहब जी दफ्तर में, बेगम साहिबा पार्टियों में, और फलक बाजी अपनी यूनिवर्सिटी और दोस्तों में मसरूफ रहती हैं। बस खाने पर ही मेरी मुलाकात होती है सबकी। हाँ बेटा, बस क्या करें, वो घर घर ही नहीं होता जहाँ अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना। ये तो सही कहा अम्मा जी आपने, मैं भी सुबह काम पर आने से पहले कुरान पाक की तिलावत करती हूँ अपने सहन में बैठकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा अभी तक जागी हैं, सोएंगी नहीं? नहीं बस सोने ही वाली थी बेटा, फिर नासरा आ गई दूध लेकर, कहने लगी पांव दबा देगी मेरे। मैंने इसको आज आगे के लिए यहाँ रोका। तुम कहीं जा रही हो? जी। इस तरह? जाओ बेटा, जाके कपड़े बदल। शेर अफगन क्या कहेगा कि माँ ने क्या सिखाया है? अम्मा ये आजकल का फैशन है और शेरों को ऐसे ही कपड़े पसंद है। सुबह मैं आपसे बात करूंगी।
अभी जा रही हूं। जावेद, जाओ जाके सो जा। गॉड फीफी, तुम्हारे साथ कहीं जाना भी एक सजा है। क्यों? क्यों क्या मतलब यार, हर बंदा तुम्हें घूर रहा था। प्लीज यार, जैसे वो लड़कियां तुम्हें घूरी। घूरी ना ले मुझको, एक आम शक्ल सूरत का आदमी हूँ, मुझे कहाँ घूरेंगे। बनो मत हमजा। बनने की बात नहीं, सच बता रहा हूँ। प्लीज, अगर तुम एक आम सूरत के लड़के होते ना तो भी बता चुकी होती मैं। खास शक्ल सूरत का हूँ तो कौन सा बता दिया तुमने? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तुमसे मैं कुछ भी सुन सकता हूँ। तुम एक्चुअली मुझसे ये सुनना चाहते हो कि तुम मेरे आइडियल जैसे हो, है ना? जैसे क्यों, आइडियल क्यों नहीं? पता क्या, मुझे ख्याल आया कि तुम किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हो। कोई भी लड़की? फीफी फुस, बाहर जा रहा हूँ मैं। हमजा, अच्छा डोंट एक्ट सिली यार, फॉर गॉड्स सेक। नहीं नहीं, कोई भी लड़की ना, कोई भी लड़की, ठीक है बेटा। हमजा क्या है, क्या है? स्टूपिड। सलमान खान, सलमान आंसर यार, ओह माय गॉड। चलो चलो मिलते हैं। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना। चुप कर, क्या करने आ गया यहाँ? सलमान हाय। हेलो, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। हम चंद दिन पहले मिले थे मरियम और फरहान भाई की पार्टी में। एक्चुअली मैं मरियम की दोस्त हूँ, उसने मुझे आपसे मिलाया था। ऑफ कोर्स मुझे याद आ गया। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। फलक शेर अफगन। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे? I'm fine, thank you. ये मेरे फ्रेंड हैं हमजा। Glad to meet you. Sorry, I'm in a bit of a rush. Anything important? Okay, चलें चलो फिर मुलाकात। ये थे आपके वो मिस्टीरियस साहब जिन्हें तुम्हारा नाम भी नहीं याद। कुछ लोगों की मेमोरी वीक होती है। फीफी रहने दो, एक डेढ़ घंटा गपशप हुई थी, इतनी बातचीत के बाद भी याद नहीं रहा उसे। मैंने बहुत मेकअप लगाया हुआ था। वैसे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल सच कहा था तुमने। क्या? सलमान का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा। शट अप। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा आपको क्या जरूरत थी सारा रात को नासरा के सामने बात करने की? आपको अंदाजा नहीं है कि ये नौकर बाहर जाके मालकों की कितनी बातें फैलाते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा था? तो इतना कुछ सही भी नहीं कहा अम्मा आपने। कम से कम नौकरों के सामने तो इस तरह बात ना किया करें मुझसे। इसीलिए मैं नहीं आती यहाँ बेटा। यहाँ आकर मेरा दिल बहुत घुटता है। देखो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा, इतना खूबसूरत घर दिया है, चीजों से भरा हुआ, रिस्क से भरा हुआ, लेकिन अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है यहाँ। तुम्हें क्या हो गया? मिलाद मैं करवाती हूँ, सबका खैरात मैं करती हूँ, बच्चों को मस्जिद से बुलाकर मैं कुरान शरीफ खत्म करवाती हूँ, अब रमजान आएगा तो इफ्तारियां भी होंगी, सहरियां भी होंगी, मतलब मैं और क्या करूँ? ये मतलब नहीं था मेरा,
कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है यहाँ। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं जब नीचे आती तो घर भाई भाई कर रहा होता बेटा। तो तुम्हें क्या हो गया? तुम तो सुबह सवेरे उठा करती फजर की नमाज पढ़ा करती थी, बल्कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करती। हाँ पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। अम्मा अब नहीं हिम्मत रही पांच वक्त की नमाज पढ़ने की, इतनी मसरूफियत होती है, रात को इतनी देर हो जाती है सोते सोते, ढाई तीन बज जाते हैं, अब कैसे उठूं मैं नमाज के लिए? क्या जरूरत है इतनी देर से सोने की, जल्दी सो जाया करो, घर पे रहा करो, मत जाया करो पार्टियों में। अम्मा जाना पड़ता है, जो सोसाइटी में मूव करते हैं ना वहाँ सब करते हैं, बहुत सारे लोगों से काम होते हैं, इस तरह नहीं रहा जाता। फलक जो है ना कभी कोई नंबर सेव करके नहीं रखती, मुझसे मांगती रहती है। फलक को भी तूने बिल्कुल अपने जैसा ही कर लिया है बेटा, उसे भी दीन की कोई फिक्र ही नहीं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि शायद उसे कलमा भी आता है या नहीं। तेरी पूरी नस्ल वही बच्ची है मेहर-उन-निसा, और तूने ये क्या किया बेटा? तेरे सर से तो दुपट्टा नीचे नहीं उतरता था, और अब? अम्मा शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहां पर दुपट्टे और हिजाब का कोई काम नहीं है, और वैसे भी शेरू को ये सब चीजें पसंद है और मैं वही कपड़े पहनती हूँ, उनको अच्छे लगते हैं। तो शेर अफगन को सीधा रास्ता तूने दिखा रहा था ना बेटा, तू क्यों उसके पीछे चल पड़ी? अम्मा ये आपने ही सिखाया था ना कि अपना घर बनाकर रखना है, शौहर को अपना बनाकर रखना है, अगर मैं उनके रास्ते पर ना चलती तो मेरा घर बन जाता। तो घर बन गया ना तेरा, लेकिन आखिरत बिगड़ गई। तू क्यों शेर अफगन के पीछे चल पड़ी बेटा? अपना किबला दुरुस्त करना था ना, शौहर को राजी नहीं करते बेटा, रब को राजी करते हैं। सलमान मुझे याद नहीं रख सका, मुझे पहचान नहीं सका, मेरा चेहरा इतना आम लगा उसे, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लोग तो मेरे चेहरे से नजर नहीं हटा पाते, फिर ये कैसे हुआ कि सलमान, या फिर वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा, झूठ। लेकिन वो ये क्यों करेगा? मेहर-उन-निसा, मुझे और मेरे बेटे को तो कोई रिश्ता ही नहीं पसंद, प्लीज रिजेक्ट ना करो। नहीं, रिजेक्शन की क्या बात है, बस आपको पता ना कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन फिर भी मुझे इतनी जल्दी नहीं, लेकिन फलक से पूछ तो लो। मैं पूछ लूंगी, बस क्या कह सकती हूँ, आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन असद उससे बात खुश रखेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आंटी आप भाई साहब से और फलक से बात कीजिए ना। आप कह रही हैं तो मैं बात कर लूंगी फलक से भी और शेर अफगन से भी, लेकिन जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं,
आप कहती हैं तो मैं असद को दोबारा आपसे मिलवाने के लिए ले आती हूँ। नहीं इसकी क्या जरूरत है, अपना ही बच्चा है सर। अब मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ, आप फलक को समझा दीजिएगा। अब फलक मेरी ही बेटी है तो मैं इनकार नहीं सुनूंगी। चलें ठीक है फिर, मुझे इजाजत है। हाँ हाँ जरूर। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अम्मा आप भी कमाल करती हैं। क्या जरूरत थी कहने की क्या फलक से और शेरों से बात करेंगी? अरे बेटा इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है ना अम्मा, फलक ने नहीं करनी शादी, नहीं पसंद उसको असद। क्यों, कोई ऐब है लड़के में? ऐब कोई नहीं है, मगर उसकी मर्जी नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करने की कायल नहीं हूँ। अरे बेटा इतनी चाह से आए थे वो लोग, और वैसे भी अच्छा रिश्ता आए तो इनकार नहीं करना चाहिए, कुफराने नेमत होता है। अम्मा अब ये वाली बातें फलक को आप समझा सकती हैं, मैं नहीं। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि अब उसका रिश्ता हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, क्यों फिक्र करती हो? आप दुआ करें ना। चलो उसे कहो आके सामान उठाए और ले जाए बाबची खाने में। नासरा अम्मा पुराने जमाने की हैं, इस जमाने में जी रही हैं। दरअसल इस उम्र में चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो शर्मिंदा कर देती है ना, नौकरों के सामने ही डांटना शुरू कर देती हैं। नजरअंदाज कर दिया करो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा की बातों पर कभी कभी मेरा दिल बहुत घबराता है। क्यों? क्यों? आज भी तुम वही मेहर-उन-निसा हो, चादर लपेटे फिरने वाली। शायद, लेकिन अम्मा की बातों से बहुत कुछ याद आने लगता है। समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत। जो पीछे छोड़ आए हैं क्या वो सासा था, या जो अब मिल रहा है वो तरक्की है? बस नहीं पसंद मुझे वो। क्यों नहीं पसंद तुझे? हमजा यार मैं सोच रही थी मैं मरियम से बोलूं कि सलमान से मेरी एक और मुलाकात करा दें।
रीफी, सलमान सलमान सलमान, मैं तंग आ गया उसका नाम सुन सुनकर, और तुम होके उसके पीछे पागल हो जा रही हो। तुम्हारा क्या मसला? मेरा मसला कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, वो तुम्हें याद नहीं रखता, तुम्हें पहचानता नहीं है। यानी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यू नो व्हाट, मुझे पता था तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात निकली। हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ क्या गलत कह रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। आई डोंट नो हमजा, मैं जितनी भी कोशिश करूँ मेरे जहन से नहीं निकलता। तुम उसे अपने जहन से निकालना चाहते ही नहीं हो, और वो है कि चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करके तुम्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हें जानबूझ के इग्नोर इसीलिए कर रहा है, तुम उसके हाथों बेवकूफ बने जा रही हो। यार व्हाटएवर इट इज, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मैं उससे मिलूंगी। फीफी आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कह दो पागल हो गई हूँ। फीफी लिसन यार, ये मैं बुक दूंगी तुम्हें, सीरियसली बहुत अच्छी किताब, यू शुड रीड इट। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने आज अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराया? नहीं। क्यों, कल लास्ट डे है। आई नो, करा दूंगा सबमिट, मुझसे काम नहीं हो रहा। क्यों, खैरियत? फोकस नहीं कर पा रहा। ये फलक आजकल किन चक्रों में पड़ गई है? क्यों क्या हुआ? हाँ नहीं, लेकिन एक सलमान अंसर नाम के बंदे का तो भूत सवार हो गया उसको। अच्छा पता चल गया तुम्हें? हाँ। तुम समझाते क्यों नहीं हो उसे? तुम समझा सकती हो उसे? मेरी बात और है, तुम्हारी बात और है। जो समझ में नहीं आता वो पता नहीं चाहती क्या उस शख्स। खैर अभी तो she is very involved, बहुत interested है वो उसमें, और मुझे डर है कि कोई और चक्कर ना शुरू हो जाए। कैसा चक्कर? तुम बच्ची हो क्या कि तुम्हें समझाऊंगी कैसा चक्कर? You kidding me? What are you thinking? पलक को किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? नहीं, वो दुनिया में सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर सकती। अच्छा तुम फलक से मोहब्बत करते हो? कभी बताया भी है तुमने उसे? यही तो एक पहाड़ है जो सर नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे बताऊँ? अच्छा प्लीज प्रोजेक्ट दे देना तुम अपना। फरहान के दोस्तों में सबसे अच्छा सलमान, मैंने तो हमेशा उसकी तारीफें सुनी है, कभी कोई गर्लफ्रेंड या फेयर वगैरह के बारे में नहीं सुना मैंने। इतना तो अंदाजा मुझे भी हो गया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम क्यों इतना अट्रैक्ट हो रही हो उसकी तरफ। सलमान से अच्छे अच्छे लड़के छोड़ दिए तुमने। आई नो यार, लेकिन मरियम आई डोंट नो, सलमान में कुछ है, जब मैं उसे देखती हूँ ना तो कुछ कुछ होता है। ओह माय गॉड, हम लोग आ गए। यू सीरियस? I can't believe it, फलक ये तुम हो? हाँ ये मैं। ओ, फलक आई हुई है? क्यों, फलक नहीं आ सकती क्या? मैं काफी दिनों बाद आई हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो खाना खाने जा रहे हैं। तो बस हम भी साथ चलते हैं, वैसे भी हम लोग डिनर प्लान कर रहे थे। नहीं एक्चुअली मुझे घर पे बहुत काम है, समाध जाए। हमेशा ही तुम्हें काम पर जाता है, आज कोई काम आम नहीं, आज तो हमारे साथ जा रही हो। हाँ भाई चलो हमारे साथ, वरना इस अकेली मरियम को कौन बर्दाश्त करेगा। अच्छा शारा, चलना है कि नहीं? जाना जाने। हाँ तो फिर चलो। बस ठीक है, हम दो मिनट में तैयार करते हैं। आओ सलमान थोड़ी देर बैठते हैं। क्या करती हैं आप फलक? मैं एफए कर रही हूँ इन दिस सर। ओह ग्रेट। और आप? मैंने 2 साल पहले एमबीए किया था अमेरिका से, और आजकल आई एम रनिंग माय डैड्स फैक्ट्री सेरामिक्स की।
How interesting. वैसे फाइनेंस में मुझे काफी इंटरेस्ट है, स्पेशली स्कल्पचर. नो वे, रियली? आप बिलीव नहीं करेंगे, स्कल्पचर्स मेरा मेजर है. रियली? ग्रेट, चलें, आईड लव टू सी सम ऑफ योर वर्क समडे. यस प्लीज. इनफैक्ट कल ही क्यों नहीं आ जाते आप? आप मुझे इनवाइट कर रही हैं? इनविटेशन ही समझ लें. Well, in that case, okay. लेकिन कल नहीं, अगले एक दो दिन तक. Promise? Promise? मुझे इंतजार रहेगा. वैसे हम दोनों को यहाँ बिठा के कहाँ चले गए ये दोनों? हाँ, I know. मैं मरियम को कॉल करती हूँ. हाँ मरियम, वेयर आर यू यार? क्या मतलब चले गए हो यार? मैं घर कैसे जाऊंगी? ओके व्हाटएवर यार, बाय. क्या हुआ? सो सिली यार, कोई जरूरी काम याद आ गया और चले गए. अच्छा डोंट वरी, मैं आपको छोड़ दूंगा. आर यू श्योर? ऑफ कोर्स. प्लीज आप आराम से खाएं पीछे. थैंक यू. आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत ज़हमत है. नो, नॉट एट ऑल. आपका घर मेरे रास्ते में है, इट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम. वैसे आप बहुत कम बोलते हैं. हाँ शायद जिन्हें ज्यादा जानता नहीं उनसे कम ही बात करता हूँ. मेरी तरह? नहीं, आप तो बहुत बोलती हैं. नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों से ज्यादा बात करती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ. लेकिन आप मुझे तो नहीं जानती, फिर भी बहुत सारी बातें करी हैं मुझसे. मैं उन लोगों से भी ज्यादा बातें करती हूँ जिन्हें मैं जानना चाहती हूँ. क्यों जानना चाहती हैं आप मुझे? आप मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं. हाँ वैसे आज तक मैं कोई ऐसी लड़की से नहीं मिला जिसे मैं इंटरेस्टिंग ना लगूं. अच्छा, आज तक मुझे भी कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा हो. अजीब इत्तेफाक है. यहाँ से राइट? हाँ. यस. पहले की बात और थी, अब की बात और है. लेकिन आई वंडर माय सेल्फ यार, मैं खुद वहां उससे मिलने गई थी. ही इज डिफरेंट. हाय अल्लाह, कोई डिफरेंट नहीं है वो. तुम्हें सब डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि तुम डिफरेंट देखना चाहती हो उसे. बल्कि तुम्हारे जहन में ये है कि जो जिंदगी में पहला बंदा तुम्हें पसंद आया वो डिफरेंट है.
यार वो डिफरेंट है तो मान क्यों नहीं लेते? अच्छा चलो बताओ क्या डिफरेंट है? सब कुछ। सब कुछ क्या? गिन के बताओ। हाँ बताओ गिन के। बल्कि तुम्हें पता है बात क्या है? तुम्हें आज तक किसी बंदे ने इग्नोर नहीं किया, उसने तुम्हें इग्नोर किया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुमने उसको एज अ चैलेंज ले लिया है ना? That is stupid logic. Seriously, फिल्मों और ड्रामों तक चलती है, कभी कभार रियल लाइफ में भी चलती है। तुम चाहती क्या? पता नहीं। शादी करना चाहती उससे? शायद। क्या मतलब शायद? बात सुनो मेरी, तुम्हें ये तक तो पता नहीं कि तुम्हें उससे रिश्ता क्या रखना है। हमजा मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद आई कांट गेट हिम आउट ऑफ माय माइंड। डू यू लव हिम? शायद। क्या मतलब शायद? हमजा मोहब्बत क्या होती है? क्या होती है? अगर मोहब्बत ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सके, उसके बारे में दिन और रात सोचते रहे, उससे बात करने के बाद यू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड विद हिम, तो हाँ मुझे है मोहब्बत उससे।